नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकिता। बिग बॉस 16 का विनर मिल चुका है। जी हाँ, एमसी स्टैन जो है वो बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं। इसके बाद अब सभी के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक की बात की जाए तो कई लोगों ने एमसी स्टैन को बधाई दी है। इसके अलावा राखी सावंत का पहला रिएक्शन सामने आया है एमसी स्टैन को लेके, जहां पर उन्होंने एमसी स्टैन की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि देखिए, कलर्स का फेस नहीं प्रियंका चाहर चौधरी जो है बिग बॉस का डिसीजन जो है बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला कि बिग बॉस बिल्कुल भी अनफेयर नहीं थे, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और एमसी स्टैन को ट्रॉफी दी गई। मतलब एक गरीब बच्चा, यानी कि बस्ती से आया वो बच्चा, एक आम आदमी जो है वो भी ट्रॉफी जीत सकता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जब वो ट्रॉफी जीत सकते हैं तो कोई भी बिग बॉस की ट्रॉफी जीत सकता है, मैं भी जीत सकती हूँ। उन्होंने अपने साथ उनका कंपैरिजन किया। इसके अलावा एमसी स्टैन को लेकर उन्होंने ये कहा कि वो रियल बंदा है और रियल जो रहेगा वही जीतेगा, वही हकदार होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कलर्स को लेकर भी कलर्स की तारीफ की है कि कलर्स ने प्रियंका चाहर चौधरी, यानी कलर्स का वो चेहरा रह चुकी हैं, उनको ना जिताकर एमसी स्टैन को जिताया है, जिसके लिए वो कलर्स के लिए कलर्स को भी काफ़ी शुक्रिया अदा कर रही हैं। इसके अलावा अगर शिव की बात की जाए तो शिव को लेकर भी राखी सावंत का जो रिएक्शन सामने आया है, वो कह रही हैं कि वो भी डिजर्विंग थे, लेकिन वो उनके लिए भी खुश हैं कि वो रनर अप आए। इसके अलावा उन्होंने बाकी और भी कंटेस्टेंट की बात की। एमसी स्टैन को लेकर सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि वो रियल रहे हैं और रियल के साथ ही बिग बॉस, जो रियल रहता है उसके साथ भी बिग बॉस रहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राखी सावंत जो है वो कुछ दिन से सुर्खियों में रही थी अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर। आदिल की बात की जाए तो आदिल अभी भी जेल में हैं और वो लगातार उन पर कई आरोप भी लगा चुकी हैं, मारपीट के आरोप लगा चुकी हैं और चीटिंग के आरोप लगा चुकी हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी शादी का खुलासा किया था कि उनकी आदिल से शादी हो चुकी है, लेकिन शादी में बहुत सारी अड़चन की वजह से उन्होंने एक और खुलासा किया कि आदिल जो है उनके साथ मारपीट करते थे और चीटिंग का भी आरोप लगा। इसके अलावा उनके जेवर गहने चुराने का भी आरोप लगा। आदिल की गर्लफ्रेंड यानी तनु चंदेल का नाम भी उन्होंने रिवील कर दिया था और उन्होंने कहा कि तनु चंदेल ने ही आदिल को बहला फुसलाकर उनसे जेवर मांगे थे और इसके बाद उन्होंने तनु चंदेल पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि राखी सावंत जो है वो एमसी स्टैन को लेकर काफ़ी खुश नजर आ रही हैं और उन्होंने बहुत सारे उनको दुआएं दी हैं और कहा है कि एक गरीब बच्चा जो है, आम आदमी जब ये खिताब जीतता है तो बहुत खुशी होती है और बिग बॉस ने बिल्कुल भी अनफेयर गेम नहीं खेला है। उनके मुताबिक, राखी सावंत के मुताबिक, उन्होंने कहा है कि बिग बॉस बिल्कुल भी अनफेयर नहीं रहे हैं, उन्होंने फेयर गेम खेला है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि एमसी स्टैन बिग बॉस की ट्रॉफी के हकदार हैं या नहीं थे, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ।